हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसके झा सर का जो ग्रुप डी का सेट है, वो सेट नंबर 10। इससे पहले मैं 9 सेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए, सबसे पहला सवाल है आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 46 है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसको बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं। सीधा पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो सर, तो ए में ए से गुना करिए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो यहाँ भी करनी में 2 है और यहाँ भी करनी में 2 है। अगर करनी में सेम रहता तो अंदर और नंबर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए अंदर और नंबर को, कितना 512 और गुने कर दीजिए 162। थोड़ा नंबर से खेलने आना चाहिए, डायरेक्ट तो आप इसको वर्गमूल निकाल नहीं सकते, इसीलिए आप इसको तोड़ने का प्रयास करिए। अगर आप तोड़ना चाहिएगा वो तो 512 आप जानते हैं, नंबर से खेलना आना चाहिए। नंबर से आप लोग नहीं खेलते हैं, इसीलिए आप कोशिश करिए नंबर से खेलिए, किसी का दिल से नहीं। तो 512 आपको पता है 8 का क्यू होता है, तो 512 को तोड़ दिए 64 गुने कितना 8। 162 को आपको तोड़ेगा तो 81 दुने कितना होता है 162। अब वर्गमूल निकालिए, 64 का निकाले तो कितना आ जाएगा 8, और ये 81 का वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा 9, और ये 8 दुने 16, 16 का वर्गमूल निकालेगा तो 4। मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना वैल्यू लेगा, 8 × 9 × 4। और आपसे ए का वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा है? नहीं, ए स्क्वायर का मान पूछा है, इसी का वैल्यू पूछा है। वो तो ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 9 × 72, और 72 चौ कितना हो जाएगा 72 × 44, 144, 144 दूने 288, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 288। बहुत ही सिंपल था। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो अभी मैं सेट का सलूशन देता हूँ ये उन स्टूडेंट के लिए है जो पहले से थोड़ा मैथ का सिलेबस एक आवर पढ़ चुके हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं, मैथ को आप नया नया कदम इसमें कम्पिटेटिव एग्जाम में रख ही रहे हैं और आप इस सेट को सलूशन देख रहे हैं, तो आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। आपको समझने के लिए नए नए वीडियो हम हर एक चैप्टर वाइज लेकर आते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन का भी और बेसिक भी, वो वीडियो आपको समझ में आएगा। सेट वाला आपको थोड़ा पहले से पढ़ा हुआ रहेगा तब क्लियर होगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 47 में आपको दिया हुआ है, 4 को फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इसमें से बड़ा या सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटी भिन्न लेकर आना है, जो कि आपको दिया हुआ 6/11, उसके बाद आपका 3/8, 5/6 और 7/15। इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, तो मैं इसका स्पेशल भी वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अगर हर जगह डिफरेंस समान रहता है, आंसर हर का डिफरेंस अगर हर जगह समान हो जाए तो ऊपर वाला जो बड़ा है वही बड़ा भिन्न होता है और ऊपर में जो छोटा रहेगा वही छोटा भिन्न। तो यहाँ पर आंसर हर का डिफरेंस हर जगह समान नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एक रूल लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, कैचा कैंची से हम लोग गुना करके देख लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान इस बात को देना कि हमसे पूछा है कि छोटी भिन्न क्या है, तो बोलिए क्रॉस करेंगे तो 8/6 कितना हो जाएगा 48, जिसका माथा से गुना कीजिएगा उसी के माथा पर लिखिएगा। 11/3 कितना हो जाएगा 33, छोटी भिन्न पूछा है बाबू, तो जिसका माथा पे गुना करने पर बड़ा आएगा वो बड़ा भिन्न होगा, जिसका छोटा आएगा वो छोटा भिन्न होगा। यहाँ पर 33 है, यहाँ पर 48 है, तो छोटी भिन्न पूछा तो छोटी यहाँ पर ये होगा, इन ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता। हालांकि अभी 2 को फ्रैक्शन और हो सकता है, ये छोटी ना होकर ये हो जाए या ये हो जाए, तो आपको इसको इसके साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। इसके साथ कंपेयर करें तो छोटी 18 या 18 हो जाएगा, 8/40 हो जाएगा। अभी भी देखिए यही छोटा, ये बड़ा होगा, खत्म हो गया। एक और फ्रैक्शन के साथ कंपेयर कर दिए, 15/45 और 8/56, ये 45 होगा और ये 56 होगा, 56 बड़ा है। यानी सबसे छोटा जो भिन्न होगा वो 3/8 क्या हो जाएगा 8, जो कि आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में। अगले सवाल पर चलते हैं बाबू। बहुत ही सिंपल सवाल लिया गया, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, कहता है कि पहली 45 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए। आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या हम लोग कहते हैं किसको है, तो पूर्ण संख्या वैसा संख्या होता है बाबू जो 0 से स्टार्ट होकर आगे जाता है। तो पहली 45 पूर्ण संख्या, तो 0 से स्टार्ट होगा और 45 को लिखना है, तो अगर 1 से स्टार्ट करके 45 संख्या लिखना तो 45 तक जाएगा, लेकिन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम 45 संख्या लिख रहे हैं, तो ये लास्ट कहाँ पे करेगा,
44 पे करेगा। आप बताइए 1 से 44 तक 44 संख्या और ये एगो 45 को हो जाएगा। इसको औसत पूछ रहा है एवरेज। और कोई सीरीज जाता है और हर दो लगातार पद का डिफरेंस समान रहता तो उसका औसत लाने के लिए तरीका होता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बटे दो, यानी कि 44 प्लस 0 बटे दो, यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा 22। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बाबू सवाल में कुछ जान है नहीं। अगला सवाल 49 नंबर दिया हुआ है। कंडीशन एक दिया हुआ और आंसर पूछा, 1131 भागा 39 और इसका वैल्यू 29 दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि आप बताइए 11.31 में भागा देंगे हम किससे बाबू, 0.0029 से, तो कितना होगा आंसर इसका लाना है। हालांकि आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन मैं यहां पर रखता हूं, देखिएगा ऑप्शन है 0.39, ऑप्शन बी है 3900, ऑप्शन सी है 390 एंड ऑप्शन डी है 0.0039 ऐसा है। बाबू इस सवाल को अगर आप देखिएगा तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका कितना 29 और इसका वैल्यू पूछा है। एक तो 11.31 में भागा इतना से देना, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से होगा भागा देना कितना से बहु 0.0029 से। आप बताइए सर ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, अगर दुनिया का कोई भी बड़ा नंबर में छोटा नंबर से भागा दीजिएगा तो हर हाल में आंसर जो होगा एक से बड़ा आएगा। कोई भी बड़ा वैल्यू में अगर छोटा नंबर से भागा दे रहे हैं तो आंसर एक से बड़ा होगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप बताइए आंसर एक से बड़ा होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए एक से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर अगर एक से बड़ा होना चाहिए तो आप बताइए तो सर ये एक से बड़ा है नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी एक से बड़ा है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, छाड़ दिए। अब दो गो ऑप्शन बचिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर बाबू यहाँ पर भी हम दो को जीरो दे दें ताकि कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि यहाँ भी चार अंक के बाद डेसिमल, यहाँ भी चार अंक के बाद डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा ख़त्म होगा। और आपको पता है कि जब 1131 में 39 से भागा देंगे तब 29 आएगा, तो अगर 1131 में 29 से भागा देंगे तो 39 आएगा, तो 29 से भागा दीजिएगा इसमें तो कितना आएगा 39 और यहाँ पर दो को जीरो है तो दो जीरो, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका सी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए बाबू अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपका क्या है, 49 के बाद 50। 50 नंबर कहता है कि एक यदि मोहन अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पे और 20% किराया पे खर्च करता है और 1800 रुपये बचाता है। कहता है मोहन जो है, क्वेश्चन नंबर है आपका 50, मोहन अपना मासिक वेतन का, मासिक वेतन उसको कितना होगा भाई 100, जिसमें ये बोला है कि 50% भोजन पर और 20% किराया पर खर्चा करता है। भोजन पे कितना खर्चा किया 50% और किराया पर कितना खर्चा किया भाई 20% किराया पे, तो टोटल इसका खर्च कितना हो जाएगा। तो आप देखिए भोजन पे 50% खर्च करता है और किराया पर 20%, यानी टोटल 70% क्या करता है खर्चा करता है, तो टोटल 70% खर्चा कर रहा है, 100% इसका आय है, तो बचत कितना होगा भाई, तो 70% खर्चा कर देगा 100 में तो 30% इसका क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा। सवाल में बोला है कि यह 1800 रुपये बचाता है, यानी कि 30% का वैल्यू कितना लिखा हुआ 1800, तो एक परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 से भागा दीजिए तो एक यूनिट का जो मान आ जाएगा 3 × 6 = 18 मतलब 60 आ जाएगा। आपसे पूछा है क्या भाई कि उसका मासिक वेतन क्या होगा, तो मासिक वेतन मतलब 100 यूनिट का मान लेना है, 1 का 60 है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100 से गुना करेगा 6000 खाता, तो इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, इसको नोट करिए। देखिए बाबू आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 51। आइए इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, ये बोर्डमास से लिया गया। सबसे पहले बोर्डमास में छोटी ब्रैकेट का काम होता है, छोटी ब्रैकेट को अगर आप घूर घूर कर देख रहे हैं तो ये चीज़ है,
और छोटी ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं कि एक रेकरिंग दिया हुआ, और इसको हम लोग बार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बार का काम करता है। बार मतलब ये है कि जिस नंबर पे बार लगा हुआ रहता है, पहले आप उस नंबर को वर्क कीजिए। अगर घटाओ तो घटाइए, जोड़ है तो जोड़िए, गुना है तो गुना करिए। तो बार किसके किसके अंदर में, 25 के और 30 के। तो 25 माइनस 30 का काम करें। इधर भी नहीं, माइनस को भी हमको नहीं देखना। ऐसा नहीं कि माइनस 25 आप लीजिए, नहीं, गलत हो जाएगा। सिर्फ 25 पे बार है तो माइनस को हमको नहीं देखना। तो 25 में से 30 जाए तो कितना बचेगा, माइनस 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 5 बचेगा। और एक और माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 5। अगले स्टेप में अगर आप काम करिएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, 2705 क्या हो जाएगा, 32। यानी यहाँ पर आप लिख दीजिए 32। आप देख रहे हैं छोटी ब्रैकेट के अंदर हर तरह का जो काम है वो मैंने कर दिया। एक सेकेंड रुकिएगा सर। छोटी ब्रैकेट कॉल आ गया था। छोटी ब्रैकेट के अंदर हर प्रकार का जो चीज था मैंने उसका वर्क कर चुका हूँ। छोटी ब्रैकेट के अंदर अब सिंगल नंबर बच रहा है, इसलिए छोटी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब मंझली ब्रैकेट के अंदर बच गया 24 माइनस 32। तो 24 में से 32 के आपको पता है कितना बचेगा, माइनस 60 बनेगा, माइनस 60। अब बताइए सर, मंझली ब्रैकेट के अंदर सिंगल नंबर बचा वो माइनस 60, तो अब मंझली ब्रैकेट हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यस, डबल साइन आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर बच गया 23 प्लस कितना, 8। और 23 और 8 अगर आप जुड़िए तो कितना हो जाता है, 31। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 23 और 8, 31। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर सिंगल नंबर बचा तो बड़ी ब्रैकेट भी ख़त्म कर दीजिए। अब 20 में से 31 जगह तो कितना बनेगा, माइनस 11। इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ख़त्म। तो ये होता है बोर्डमास का करने का तरीका। आइए अगले सवाल पर चलते हैं बाबू। हम तो यहाँ मिटार के कर दिए, आप लोग आराम से करिएगा। 51 के बाद 52 लेते हैं, 52। और लिखा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है, कौन, अल्फा और बीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो पूछा, तो आप बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा माइनस अल्फा का पावर माइनस 2 और बीटा का पावर क्या होगा, माइनस 2। तो सबसे पहले तो ये जो आपसे पूछा हो इसको आप घूर घूर कर देखिए। यहाँ से आप इसको घूर घूर कर देखिए तो एक स्टेप आगे बढ़िएगा तो ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तो ठीक है। नीचे का जो कहानी, ये अल्फा स्क्वायर है माइनस में, तो माइनस को अगर आप इसको हटाते हैं तो ये 1 बटे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, जो करनी घातांक पे रूल होता है कि अगर a के पावर माइनस n रहता है तो इसको 1 बटा a के पावर k लिखते हैं, n लिखते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से बीटा के पावर माइनस 2 तो इसको 1 बटे लिखेंगे बीटा के पावर 2। एक स्टेप आओ आगे बढ़ेंगे बाबू, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे में अगर इसको एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बटे होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये से कैंसिल होगा, नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला गया, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इतना लंबा चौड़ा कहानी जो दिया हो इसका मतलब निकल के है सिर्फ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आपको आंसर सिर्फ लाना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का लाना तो आप पहले अल्फा इंटू बीटा लेकर आइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे कितना, ए। सी का वैल्यू 6 है और ए का वैल्यू कितना, 1 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर अगर लिख कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना होगा, 36। आइए बाबू अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। तिरपन नंबर कहता है कि अगर 36 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। 36 केले बेचने पे 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। 36 केले बेचता है तो 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 केले के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका एक सिंपल फंडा अपनाइए कि बाबू अगर 36 केला बेचा होगा
तो मान लेते हैं कि एक केला 1 रुपया में बेचा होगा, तो 36 केला को बेचने में कितना रुपया मिला होगा? 36 रुपया। 36 वो केला है, एक केला का विक्रय मूल 1 रुपया, तो 36 केला को 36 रुपये में बेचा होगा, जिसमें 4 केला के विक्रय मूल के बराबर इसको हानि हो जाता है। मतलब 4 केला जितना बेचा होगा उतना हानि होगा। तो जब एक केला 1 रुपये में बेचा तो 4 केला कितना में बेचा होगा? 4 रुपया में। यानी इसका जो हानि हो गया कितना रुपया? 4 रुपया। 36 रुपये में बेचा, 4 रुपया हानि हो गया। खरीदा हुआ कितना में बहुत? 40 रुपया में। तो हानि परसेंट लाना, तो 4 रुपया हानि, हानि हमेशा किससे? बड़ा से। या ऐसे भी कह सकते हैं 4 रुपये हानि, हानि हमेशा क्रय मूल से, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से, 0 से 0 खत्म होगा, 4 से 4, यानी आपका इस सवाल का उत्तर कितना होगा? 10%। यानी कि जो हानि हो रहा होगा वो कितना परसेंट होगा? वो 10%। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, 54 नंबर। ये 56 नहीं था सर, ये 53 था, ध्यान दीजिए, ये 53 था। 54 की अगर बात करते हैं, 54 नंबर, तो लिखा हुआ 5 के पावर 0.25 प्लस नहीं दिया, गुना दिया हुआ, गुना 125 के पावर 0.25, बट्टों में दिया हुआ है 256 के पावर 0.10 और गुने 256 के पावर 0.15। ऐसा सवाल है आपको सर, आइए इस सवाल को कैसे आप बना पाइएगा। सबसे पहले आप प्रयास करिए कि बेस समान कर दिए, यहाँ भी बेस सेम है और यहाँ भी बेस सेम है। ऊपर का बेस देखिए तो 5 है, यहाँ पर 125 है, तो क्या 125 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 3? बताइए, ताकि बेस समान होगा। तो 5 के पावर 3 लिखिएगा, तो आपको पता है कि ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो इसको इसमें गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 25 या 75, मतलब 0. कितना हो जाएगा? 75। तो जो पहले दिया हुआ था उस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेट करके। अब बताइए बेस समान है वो, तो पावर जुट जाएगा, तो बेस 5 है और पावर को जुड़ेगा तो 0.75 और 0.25, यानी कि 75 पैसा और 25 पैसा, कितना? 1 रुपया हो जाएगा, तो पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कहानी, यहाँ पर बेस सेम है बहुत, यहाँ पर बेस लीजिए 256 और पावर को जोड़ दीजिएगा, तो पावर को जोड़िएगा तो 15 और 10 कितना होगा? 25, यानी कि 0. इसको क्या कह सकते हैं? 25। लेकिन आपको अभी भी तक आंसर नहीं आया, तो इसको और थोड़ा सा कहानी आपको चेंज करना पड़ेगा कि ऊपर तो 5 है ही है, ठीक है, नीचे आप देखिएगा 256 को आप लिख सकते हैं कितना, क्योंकि 256 जो होता है 16 का स्क्वायर होता है, तो 256 को लिख सकते हैं 4 के पावर कितना 4, 256 को लिख सकते हैं 4 के पावर 4। और 0.25 अगर पॉइंट को हटाइएगा वो, तो नीचे में 100 आएगा, इसको 25 चको 100, यानी कि 1/4 कर सकते हैं। आप जरा इस चीज़ को आप घूर घूर कर देखिए बाबू, ब्रैकेट को हटाइए तो गुना में होगा, 4 से 4 ये कट जाएगा, तो सिंपल बचा ऊपर में 5 नीचे में 4, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 5/4 खत्म, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इतना सा काम करना था इसमें। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बाबू, 54 के बाद 55 पे आइए। 55 में बोला है बाबू कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि जितना भी मतदाता था उसमें से 75% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया, 2% मत अवैध हो गया। आइए सवाल को इस प्रकार से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 आपसे ये बोला है सर सवाल में कि अगर कुल जो मतदाता होगा वो 100% होगा, जिसमें से 75% मतदाता ने ही अपना मत का प्रयोग किया, तो इसका 75% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 75। यानी 75% आदमी ने ही वोट किया, 25% आदमी वोट नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं, तो 75% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, यानी 75% मत पड़ा, उसमें से 2% मत को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि जितना भी मत पड़ा बाबू इसमें से 2% मत को अवैध घोषित कर दिया, तो इसका 2% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1.5, क्योंकि यहाँ से आप निकालिए तो 1% हो जाएगा 0.75, तो 2% होगा 75 × 150, 1.5। इसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया, यानी कि अवैध, 1.5% मत अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा होगा? जब 75 मत पड़ा ही
और 75 में से डेढ़ मत को अवैध कर दिया तो वैध कितना बच रहा होगा, तो वैध बचेगा 73.5। ये कैसा मत है, वो वैध मत है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट आपको सब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कहता है कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिला, ठीक है, एक उम्मीदवार को 9261 मत मिला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गौर करिएगा, एक उम्मीदवार को 9261 मत मिला जो वैध मत का 75% है। वैध मत का कितना है, 75%। सिंपल बोला है कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिला जो वैध मत का, वैध मत कितना है 73.5, वैध मत का कितना है 75%। बस यही आपका कहानी बना। इनकी एक उम्मीदवार को 9261 मत मिला है और ये जो मत है वैध का 75% के बराबर है, तो वैध इतना है तो वैध का 75% जो भी होगा वो 9261। आगे सवाल को बनाइए तो परसेंटेज को हटाइए तो वह कितना आ जाएगा 100। इसको काटिए 25 या 75, इसको काटिए देखिए 25 चको 100। अगर यहाँ पर डेसिमल आप हटाना चाहते हैं तो नीचे में आ जाएगा 10। अब जरा गौर करिए, अगर इसको काटते हैं ऊपर वाला वैल्यू को 5 से, तो 5 से काटिएगा तो कितना होगा, 5 एकम 5, 2 पर 3 23, 5 चको 20 और 3 पर 5 35 और 5 से तो कितना हो जाएगा 35, ये खत्म हो जाएगा। नीचे काटिए 5 से तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब आगे आप क्या करिए, अगर इसको काटिए, क्योंकि अब यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, नीचे वाला क्रॉस मल्टीफिकेशन करिए यहाँ आ जाएगा, यानी इससे इसको काट सकते हैं। 3 से काटिए पहले सीधा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और नहीं लेगा तो फिर 2 उतारेंगे तो 0, फिर 3 8 24 और 3 7 21, ये कट जाएगा। अब आपको 147 से काटना है, तो 147 से काटिएगा तो 147 दूनी कितना हो जाएगा 294, और फिर बच जाएगा कितना आपको 14, तो 14 बच जाएगा तो 21 मरतबा पूरा कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 21, 4 दूनी 8 21 68 168। आप काट के देख लीजिएगा तो 1 यूनिट का मान 168 हो गया। हमको कुल मत लाना, यानी कि 100 यूनिट का मान लाना, तो 100 से गुना, यानी इस सवाल का जो मान होगा 16800, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए 16800। खत्म। आइए इस सवाल को नोट करिए, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आपके सामने 56 और ये काम और समय से लिया गया। कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करता है, यानी कि ए और बी किसी काम को कितना दिन में करता है 5 दिन में, ए और बी। तो सबसे पहले इस सवाल थोड़ा सा आपको डाटा चेंज करके दिया हुआ, इसको मान लीजिए कि ए का क्षमता है, ए का जो कार्य करने का क्षमता है, ए का जो क्षमता है वो मान लीजिए ए यूनिट काम करने का, और बी का क्षमता मान लीजिए बी का जो क्षमता है कार्य करने के लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, बी यूनिट कार्य करने का क्षमता। ये हम सबसे पहले क्या मान लिए बाबू, क्षमता मान लिए कि ए का जो कार्य करने का क्षमता है वो ए यूनिट, यानी एक दिन में ए यूनिट काम करे, बी का जो क्षमता है वो बी यूनिट, यानी एक दिन में बी यूनिट काम करेगा। तो कहता है दोनों मिलकर कि ए प्लस बी मिलकर 5 दिन में काम करता है। अब आगे कहानी, अब कहता है उसी काम को अगर ये अपनी क्षमता को दुगुना कर देगा, तो दुगुना क्षमता करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा वो 2a काम करेगा, और b अपने क्षमता को 1/3 करता है तो b क्षमता को 1/3 कर देगा तो b गुने 1/3, और अब वही काम को करने में कितना दिन ले रहा है 3 दिन। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ, यहाँ पर भी वही काम हुआ, दोनों वर्ग क्या हो जाएगा सेम होगा। अब यहाँ से आप निकालिए तो 5 से गुना करिए तो 5a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5b। अगर 3 से इसमें गुना करें तो 3 दूनी 6a, और प्लस इसमें 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा b, 3 से 3 कट जाएगा। अगर आप क्या करिएगा, a को एक तरफ करिए, b को एक तरफ, 5a को उधर लेके जाइए तो 6a में से 5 ही जाएगा, तो सिंपल a बचेगा, और 5b में सीधा आके b बचेगा तो कितना 4b बचेगा। यानी अगले स्टेप से a रेशियो b अगर लाना चाहिएगा बहुत तो 4:2 कितना जाएगा 1। यानी यहाँ पर अब वास्तविक में आ गए कि a का जो क्षमता वो 4 यूनिट और b का क्षमता कितना 1 यूनिट, क्योंकि हम माने थे ए यूनिट करता है बी यूनिट करता है, तो ए का मान 4 है बी का मान 1 है, इन ए का क्षमता 4 हो गया, बी का क्षमता क्या हो गया 1 हो गया। सवाल ने पूछा है कि ये इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है बाबू, तो एक 4 यूनिट करता है और ये 1 यूनिट, और टोटल 5 दिन में होता है। तो बोलिए जैसे ए एक दिन में 4 करता है, एक दिन में बी 1 करता है, तो दोनों मिल के देखिए तो ए प्लस बी तो 4 और एक कितना हो जाएगा 5 यूनिट, एक दिन में 5 करे तो टोटल काम 5 दिन में करता है, तो 5 पे 25 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 25 यूनिट हो गया।
और इसको किससे करवाना है, ए से। तो ए के क्षमता चार है, तो चार से भाग दिए, छः पूर्णांक एक बट्टा चार। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा छः पूर्णांक एक बट्टा चार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में, बी में। आइए सर अगले सवाल पर चलते हैं, नोट करिए इसको। देखिए बाबू आपके सामने सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कहता है ये चार गो व्यंजक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा व्यंजक कौन है, बड़ा। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल आसान सवाल होता है। आप देखिएगा कि अगर माइनस में दिया हुआ, सब जगह डिफरेंस समान है, 19 में 17 या 2, यहाँ पर डिफरेंस 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का, यहाँ पर डिफरेंस 2 का। तो अगर निगेटिव में दिया हो रहे और हर पद का डिफरेंस समान रहे, तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ा व्यंजक लाना है। तो जो देखने में सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो देखने में सबसे छोटा कौन है, 5 3, ये व्यंजक जो होगा सबसे बड़ा होगा। बस इतना सा काम करना। अगर पूछता कि इसमें सबसे छोटा व्यंजक कौन है, तो जो सबसे बड़ा देखने में लग रहा है ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता, खत्म। आइए अगले सवाल पर चलते हैं, नोट करिए। देखिए बाबू आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 है, और आपसे दिया हो कि ए बटे बी बराबर 4/5 और बी बटे सी बराबर 15/16, और इसका वैल्यू पूछा। यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 16 पुट कर देते हैं, जो कि गलती होगा। आप ये वैल्यू रेशियो में दिया हुआ हो, रेशियो में क्या होता है कि अगर यहाँ पर ए और बी 4/5, यहाँ बी और सी 15/16 है, तो आप जरा बोलिए कि बी का वैल्यू यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 15 है, तो पहले आप इसको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा, सेम कराना पड़ेगा। अगर यहाँ बी 15 है तो यहाँ भी 15 होना चाहिए, 15 लाने के लिए यहाँ पर 3 से गुना करिए नीचे, तो ऊपर भी 3 से गुना। अब देखिए बी समान हो गया, तब डायरेक्ट ए और सी का वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो बताइए ए का वैल्यू 4 3 12 हो जाएगा, सी का वैल्यू 16 हो जाएगा। यहाँ से भी स्टूडेंट डायरेक्ट 12 और 16 रखने लगते हैं, जो कि कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको पता होगा, ए प्लस बी, बी के जगह पे ए है। नीचे में यही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर कोई चांस आपको नहीं बनेगा, फॉर्मूला तो ऊपर लगा दीजिएगा लेकिन नीचे लगने का कोई चांस नहीं, चाहिए लिख ही देते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि नीचे फॉर्मूला आप लगा ही नहीं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर के अगर लिखिएगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ऊपर अगर आप वैल्यू आप देखिए तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, सी का वैल्यू 16 और ए का वैल्यू कितना है 12, तो 16 में से 12 गया तो कितना होगा 4, और एक बार 16 और 12 कितना हो जाएगा 16 12 28 हो जाएगा। नीचे में आ जाए सी का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 प्लस ए का स्क्वायर कितना हो, 4 3 12 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब इसको जोड़ दिए, 256 144, 201 356 44 400, यानी कि 28 × 4 बटे नीचे आ जाएगा 400, 4 से 4 कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 से 7 6 28 और 25 6 100, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 7/25, जो कि आपको ऑप्शन किस में दिया हुआ, 7/25 ऑप्शन नंबर बी में, खत्म। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, 58 के बाद 59। ये बोला गया है, बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में कोई जान स्तर नहीं रहता है। बोला एक परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने के लिए बोला, संख्या को आप 1 यूनिट मान लीजिए और इस संख्या का कितना लाने के लिए बोला 3/4, यानी कि एक का 3/4 लाने के लिए बोला था 3/4 लाता, लेकिन वो सॉरी 3/4 नहीं, वो 3/14, लेकिन उसने विद्यार्थी ने क्या किया, गलती से उस संख्या का 3/4 लेकर आया। अगर एक का 3/14 लाता तो ये वाला आंसर आता, लेकिन वो एक का कितना लेकर आया 3/4, तो एक का अगर 3/4 लगे तो 3/4 ही आएगा। तो आप बताइए लाने के लिए बोला लाने के लिए उसको बोला गया 3/14, लेकिन गलती से वो लेके आ गया 3/4। तो आपसे पूछा इस तरह से उसका ठीक उत्तर ज्ञात 3/4 ज्ञात कर दिया, तो ठीक उत्तर से 300 अधिक था, यानी कहने का मतलब 3/14 लाने के लिए बोला लेकिन लेके आ गया 3/4, जो ठीक उत्तर से 300 क्या था, ज़्यादा था, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है 300 है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दोनों का डिफरेंस कितना, सवाल में 300 दिया और यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस करें तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 14 3 कितना हो जाएगा 42, 4 3 12 14 3 42, 42 में से 12 जाएगा 30 और नीचे 14 6 56, डिफरेंस हो जाएगा 30 बटे कितना होगा 56 बहु, आप देख लीजिएगा।
अब क्या होगा कि आप एक यूनिट का वैल्यू लेकर आए तो 30 से 30 ऊपर कट जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना 560। आपसे पूछा क्या भाई, तो ठीक उत्तर क्या था, अभीष्ट संख्या क्या था, सॉरी अभीष्ट संख्या क्या था, तो संख्या एक यूनिट था, तो एक यूनिट का मान लेकर आए 560, यानी कि आपका जो उत्तर होगा 560, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन जो है 60 नंबर, चलिए एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, सवाल इस प्रकार से 60 नंबर लिखा हुआ है, कहता है कि एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 96 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे कितना राशि लाभ होगा। लाभ कहने का मतलब उसको ब्याज कितना मिलेगा। तो बोला कि 1 जनवरी को पैसा जमा करता है 96 रुपये, और रेट जो है बाबू 2.5%, रेट जो है यहाँ पर 5% दिया हुआ, लेकिन अर्धवार्षिक बोला है तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कितना 2.5%। अब आगे बढ़िए, अब ध्यान इस बात को देना है बाबू कि अगर वो 1 जनवरी को 9600 रुपया जमा करेगा और फिर उसके बाद 1 जुलाई को जमा करता है, 1 जुलाई, तो बताइए 1 जनवरी से 1 जुलाई अर्धवार्षिक रूप से बोला है तो कितना महीना होता है, 6 महीना होता है, 6 महीना, और आपको पता है कि अर्धवार्षिक में 6 महीना को ही हम 1 साल बोल देते हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक में 6 महीना को 1 साल बोलते हैं। तो आप बोलिए कि अगर जनवरी में 9600 रुपये जमा किया होगा तो 6 महीना कहने का मतलब 1 साल में उसको 2.5% तो ब्याज मिलेगा, तो यहाँ से 2.5% उसको ब्याज मिलेगा। 96 का 2.5% निकालिएगा बाबू तो कितना होगा, 5% हो जाएगा 480, 2.5% हो जाएगा 240। ये हो गया 1 जनवरी से 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट, 240 रुपये हुआ। अब क्या होता है बाबू कि 1 जुलाई को फिर वो 9600 रुपये जमा करता है, तो 9600 रुपये तो पहले से उसका राशि है, और 1 जुलाई को भी 9600 रुपये जमा किया, और CI का कहानी होता है बाबू कि जो ब्याज मिल जाता है उस पर भी ब्याज मिलता है, तो पहले वाला 9600 इस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, फिर 9600 जमा करेगा इस पर ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 240 रुपये तो ब्याज भी तो मिल चुका है, तो 240 रुपया पर भी ब्याज मिलेगा लास्ट अंत में, वर्ष के अंत में। हर जगह रेट कितना लगेगा, 2.5% पे दर है तो 2.5% मिलेगा, तो यहाँ से 2.5% 240 मिलेगा, यहाँ से भी 2.5% 240 मिलेगा, और यहाँ से अगर 2.5% निकालिएगा तो यहाँ से 10% 24 हो जाएगा, 2.5% 1/4 मतलब कितना 6 हो जाएगा। तो टोटल इसका लाभ कितना हो गया बाबू, टोटल कितना ब्याज मिला, तो 240 रुपये यहाँ, फिर 240 और 6 तो 24 या 72, 720 और 6 726, यानी इस सवाल को जो उत्तर होगा 726, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा 726। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 61 पे। 61 में बोला है बाबू कि 2 नल ए बी एक टंकी को 15 घंटा और 20 घंटा में भरता है, 61, 2 नल एक टंकी को 15 घंटा में, और एक नल बी है जो उस टंकी को 20 घंटा में भर देता है। आगे बढ़िएगा तो कहता है एक तीसरा नल सी भी भरी टंकी को 25 घंटा में खाली करता है, एक तीसरा नल सी खाली करने वाले जिसको माइनस लेते हैं, ये भरी टंकी को कितना घंटा में खाली करता है, 25 घंटा में। जो नल भरता है उसका क्षमता पॉजिटिव होता है, और जो नल खाली करता है उसका क्षमता निगेटिव होता है, खाली करने वाला को हम लोग निगेटिव लेते हैं, माइनस में लेते हैं। आगे बढ़िए, अब कहता आरंभ में तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो पहले तो ये तो पता कर लीजिए कि टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना होगा, तो जो इसका तीनों का LCM होगा वही टंकी का क्षमता आ जाएगा। 25, 20, 15 का अगर आप LCM लीजिए तो कितना आ जाएगा, 25, 20, 15 का LCM आपसे आ जाएगा 300 आ जाएगा, 25, 20, 15 का LCM कितना आ जाएगा, वो 300। अब बताइए 15 घंटा में पूरा 300 भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा बाबू, तो 1 घंटा में भर दिया कितना, 20 यूनिट। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि LCM अगर आप 300
अगर इस कैल्शियम 300 आ रहा है, 600 भी लीजिए फिर भी आंसर आएगा, मतलब ये तीनों नंबर से कटने वाला होना चाहिए, तो जल्दी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 20 घंटा में पूरा भरता है तो एक घंटा में कितना भरेगा, 20 से भागा दिए तो कितना यूनिट, 15 यूनिट। ये बोलिए पूरा 25 घंटा में खाली करता तो एक घंटा में कितना खाली करे, तो 25 चको 100, 3 चको 12, 12 यूनिट खाली करिए, माइनस में लिए। अब बोला है क्या भाई, तो ये बोलता है कि 10 घंटा तक पहले तीनों को खोला जाता है, उसके बाद सी को बंद किया जाता है। तो बाबू 10 घंटा तक खोला जाता है, 10 घंटे ये भरेगा, ये भी भरेगा और ये 10 घंटा तक खाली करेगा। तो देखिए एक घंटा में तीनों मिलकर क्या करता है, तो एक घंटा में क्या करेगा भाई, ए भरेगा 20, बी 15 भरेगा, लेकिन सी 12 क्या करेगा, खाली कर देगा। तो एक घंटा में कुल मिला जुला कर क्या हो रहा है, तो 20 और 15 कितना होता है 35, और 35 में से 12 जगह 23, यानी एक घंटा में अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो 23 यूनिट पानी भराएगा। तो टोटल कितना घंटा तक तीनों को खोला गया, तो 10 घंटा तक। एक घंटा में 23 भरेगा तो 10 घंटा में कितना यूनिट भर देगा, 230। अब जैसे ही 230 भरेगा तो सी को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो बताइए 300 यूनिट भरने के लिए था, 230 क्या हो गया, भर गया, अभी भी कितना बच रहा, 70। सी बंद हो गया तो शेष पानी को कौन भरेगा, तो शेष पानी को भरेगा ए और बी, क्योंकि सी को बंद कर दिया जाता है। तो 70 यूनिट भरने के लिए ए और बी को कितना समय लगेगा, तो ए बी का क्षमता क्या है, 20 और 15 35 क्षमता है, 70 भरना और 35 क्षमता है, तो 35 दूनी 70 मतलब 2 घंटा समय लगेगा। हालांकि इसमें पूछा क्या है भाई, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो पहले कितना चला था भाई, 10 घंटा पहले चला था और लास्ट में 2 घंटा, तो टोटल टंकी भरने में कितना समय लग गया, 12 घंटा, यानी सवाल का जो उत्तर होगा 12 घंटा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, इसको नोट करिए बाबू, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 है। कहता है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल का लंबाई जो 8 मिनट में पूरा पुल को पार कर लेता है, तो पुल का लंबाई बोली या उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बोली, बात सेम ही होगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, चाल गुने समय। चाल क्या है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, समय कितना है, तो समय लिखा हुआ 15 मिनट। तो आप जरा गौर से समझिए, आपसे पूछा पुल की लंबाई मीटर में, तो हम क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको छोटू में चेंज करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के 5/18 से, यानी जो चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। तो 15 मिनट में, मिनट को सेकंड में चेंज करने के 60 से क्या होता है, गुना, बस खत्म। आप यहाँ काटा पीटा मचाइए तो कितना आ जाएगा बाबू, काट दीजिए, ये कट जाएगा 9 दुनी 18 और 4 दुनी क्या हो जाएगा, 8 कट जाएगा। अब 9 से इसको काटिए, 3 से काट दिए, 3 तिया 9 और इसको काट दिए 20 तिया 60, फिर 3 से काटिए, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। यानी कुल मिला जुला कर यहाँ पर देखिए तो 4 आया, और यहाँ पर आपको देखिए तो कितना बच रहा है, 5 बच रहा, ये 5 बच रहा, ये 20, गुना करिए तो 5 पचे 25, 25 चको 100 और 100 में 20 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 2100, यानी कि 2000 मीटर पुल का क्या हो जाएगा, लंबाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में, बी में खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है, इतना अच्छा VVI सवाल है, आप इसको गौर से समझिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति साइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो 8 मिनट अधिक लगता है। आप इस तरह के सवाल बहुत बार देखेंगे, बहुत फेमस सवाल है कि एक बच्चा स्कूल, घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये सवाल आप बहुत बार देखेंगे, वही सवाल को थोड़ा चेंज करके ऐसे दिया जाता है। मान लीजिए कि चाल क्या है बाबू, भी, और अब कहता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, यानी कि चाल जो इनिशियल चाल है 6 किलोमीटर कम चलेगा, तो भी माइनस क्या हो जाएगा, 6, जो उसका रियल जो चाल मान लिए वो भी किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहता है कि अगर भी के चाल से चलेगा तो नियत समय में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर 6 किलोमीटर धीरे चलेगा तो 8 मिनट क्या हो जाएगा, अधिक लगता है। तो यहाँ से दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाइए, दूरी बराबर
चालों का गुणनफल, मतलब भी इंटू भी माइनस सिक्स चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, अंतर करें तो कितना आ जाएगा सिक्स, गुने समय कितना मिनट लेट होता है तो आठ मिनट, ये मिनट को घंटा में चेंज करिए कितना से साठ से गुना, तो यहाँ पर दूरी आ गई। अब लेकिन अगला कंडीशन से बोला है कि अगर वो चार किलोमीटर अधिक चाल से चलता तो चाल तो हम भी माने भाऊ, तो अब कि भी चाल से भी तो रियल वैल्यू हो गया, अब कि बोरा चार ज़्यादा चलता तो भी प्लस कितना चार चाल से चलता, तो यहाँ नौ बटा दो मिनट क्या होता पहले पहुँच जाता, दो मिनट नौ बटा दो मिनट पहले पहुँच जाता। तो यहाँ दूरी निकाले तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल और बटा चालों का अंतर चार आ जाएगा गुना समय, तो समय कितना नौ बटा दो मिनट में, इसलिए घंटा में करें तो साठ से भागा। अब यहाँ भी वही दूरी, यहाँ भी वही दूरी, दूरी को क्या कर दीजिए बराबर कर दिए, बस खत्म हो गया। अब इसको काटा पीटी में चाहिए, देखिए साठ से साठ कट जाएगा भाव और भी से आपको भी ये कट जाएगा, आगे आप देखिए तो यहाँ पर तीन दूनी छः कट जाएगा और यहाँ पर क्या कटेगा दो दूनी चार, क्रॉस मल्टीफिकेशन करें तो यहाँ दो दूनी चार और चार अठी बत्तीस, बत्तीस इसमें गुना करें तो बत्तीस भी माइनस बत्तीस छः कितना होता है बानुस यानी कि एक सौ बानवे बराबर, इधर गुना करें तो तीन है, तीन में नौ से नौतिया सत्ताईस और सत्ताईस में भी से गुना करिए सत्ताईस भी प्लस सत्ताईस चको एक सौ आठ, बत्तीस भी में से सत्ताईस भी अगर इधर आएगा तो पाँच भी बचेगा और एक सौ बानवे उधर जुड़ जाए तो एक सौ आठ एक सौ बानवे कितना तीन सौ, पाँच से भागा दीजिए तो भी बराबर साठ किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगा। अगर रियल चाल पूछता तो साठ किलोमीटर प्रति घंटा होता, लेकिन आपसे पूछ रहा है दूरी, तो दूरी लाने के लिए आप कहीं भी वैल्यू को पुट कर दीजिए, यही तो आपका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला चीज़ इसमें भी रखिएगा इसमें भी रखिएगा, आइए हम इसमें रख देते हैं दूरी बराबर, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा बाबू भी का वैल्यू साठ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साठ और ये हो जाएगा साठ में से छः गया कितना चौवन और गुण और बटे कितना है छः गुने में कितना आठ बटे साठ, साठ से साठ खत्म हो जाएगा छः नंबर चौवन खत्म हो जाएगा नौ अठी बहत्तर, इस सवाल का उत्तर जो होगा बहत्तर होगा, यानी कि आपसे पूछा था दूरी, दूरी बहत्तर किलोमीटर क्या होगा पर आवर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए बाबू आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 64, बहुत ही बेहतरीन सवाल। आइए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल लाना है। एक समबाहु त्रिभुज है बाबू और इसका प्रत्येक भुजा 12 दिया हुआ है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ऐसे भी हर भुजा बराबर होता है, इसका परिवृत्त का क्या लाना है एरिया लाना है। इस सवाल को अगर आप डिटेल बनाइएगा बहू तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। आइए इसके लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन कंसेप्ट देता हूँ मैं, कि इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप यूज करिएगा, ICMS। ये क्या है मैं अभी जस्ट बताता हूँ। ICMS मतलब इस कोचिंग का मैथ सेट है, यहाँ लिखिएगा वन टू थ्री और महालैक्टो थ्री, ये रेशियो से आप समबाहु त्रिभुज का कोई भी सवाल रहेगा ये हमेशा किस में फॉलो करेगा वो तो समबाहु में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इन ओनली फोर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये लगेगा। अगर समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त अंतर्वृत्त ऊंचाई भुजा से रिलेटेड कोई भी सवाल आता तो इस पे बना लीजिए। ये क्या है तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि आई मतलब इन रेडियस अंतर त्रिज्या, ये सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या, ये माध्यिका बोलिए या ऊंचाई बोलिए दोनों सेमी, और ये आपका साइड है। तो आप बताइए इसमें बोला कि त्रिभुज का साइड है 12 और यहाँ से रेशियो में मान लाएँ टू रूट थ्री, तो टू रूट थ्री का वैल्यू कितना दिया होगा उस सवाल में 12, नियत का तुलना नियत से कर दीजिएगा, अगर ऊंचाई दिल रहता तो ऊंचाई से कंपेयर करते हैं, तो दो रूट थ्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, दो से काटिए दो छः 12 और तीन से काटिए रूट थ्री से तो ये कट जाएगा वन यूनिट का तीन दूनी छः टू रूट थ्री, यानी एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा वो दो रूट तीन आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है परिवृत्त का त्रिज्या, सॉरी परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल लाने के लिए पहले रेडियस लेकर आ जाइए, तो परिवृत्त का रेडियस कितना है दो, एक यूनिट का मान टू रूट थ्री तो दो यूनिट का मान कितना होगा दो से गुना कर दिए तो फोर रूट थ्री, यानी ये परिवृत्त का क्या आ गया रेडियस, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो परिवृत्त का अगर रेडियस आ गया तो एरिया भी आप निकाल लीजिएगा, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा फोर रूट थ्री का स्क्वायर, क्योंकि आंसर पाई में ही दे रहा, तो चार चको सोलह सोलह थी 48 पाई, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 48 पाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, आप इसको एक बार नोट करिए।
देखिए वो 65 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ टेन 40 बटे टेन पचास, टेन 40 बटे कॉट 50 प्लस कॉट 66 डिग्री बटे टेन 24 माइनस क्या होगा 1। हालांकि इसको देखते के साथ आंसर मार सकते हैं ये, क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए बाबू कि अगर टेन 40 डिग्री लिखा हुआ तो हम इसको टेन क्या लिख सकते हैं 50 डिग्री, क्यों? क्योंकि क्या बताइए टेन 40 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 50, और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ये कॉट लिखें, टेन 40 को कॉट 50 लिखना पड़ेगा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट 50 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिंपल आप ऐसे भी चीज़ों को समझ सकते हैं कि अगर टेन 40 है तो उसको सीधा कॉट 50 लिखिए, एंगल का सम जो होना चाहिए सिर्फ 90। जैसे टेन 70 तो 70 को लिख सकते हैं कॉट 20, क्योंकि 70 और 20 क्या हो जाता है 90। तो आप जरा गौर करिए कि टेन 40 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, कॉट 50, तो कॉट 50 से 50 खत्म हो जाएगा, एक आ जाएगा प्लस। कॉट 66 है तो कॉट 66 को हम लोग लिख सकते हैं टेन 24, क्योंकि टेन क्योंकि 66 24 90 होता है। तो आप बताइए यहाँ से 24 और 24 कट जाएगा तो एक आ जाएगा माइनस एक, एक से एक कट जाएगा, इस सवाल का उत्तर कितना है, एक आएगा खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के पास। छियासठ में बोला है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में करता है, यानी कि 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को कितना दिन में करता है, 21 दिन में। कोई भी काम होगा एक जो वर्क रहता है उसको नीचे लिखते हैं। आगे कहते हैं तो 21 औरत 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, 21 महिलाएं 6 घंटा प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो एक दिन मान लेते हैं, उसी काम को कितना दिन में करेगा। जबकि आगे बढ़िए तो अब रिलेशन दिया हुआ है कि 3 औरत और 2 आदमी का काम बराबर है, यानी कि 3 महिला का जो काम है 2 पुरुष के काम के बराबर है। तो यहाँ से महिला और पुरुष का जो रेशियो आ जाएगा क्षमता का, वो आ जाएगा 2:3, यानी कि महिला अगर 2 करेगी तो पुरुष कितना करेगा, 3 करेगा। बस इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा। बोलिए एम पी का वैल्यू कितना, 3, तो 3 रखेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा, 15 * 3 = 45। हालांकि काटिए ना, यहीं पर से काटिए, चलिए रख ही देते हैं, 3 रखिए तो कितना हो जाएगा 15। पुरुष का वैल्यू कितना रखिए, 3, तो 15 × 3 × 8 × 21 बराबर में आ जाएगा 21 गुने एम का वैल्यू कितना रखिएगा, 2, तो 2 और गुने 6 और गुने एक्स, एक्स का वैल्यू लाना, 21 से 21 कट जाएगा, ये आपको ही पता है। फिर यहाँ से कट जाएगा, देखिए 2 से कटेगा 2 × 8, और आपसे कट जाएगा 3 से, 3 से कटेगा 6, 3 × 2 = कितना 6, और ये 2 से कटेगा 2 × 2 = 4। अब यहाँ पर बचेगा 15 × 2, यानी कि 15 × 2 = 30, यानी एक्स का जो वैल्यू आएगा 15 × 2 = 30, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा ए होगा ऑप्शन 30 दिन, खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं बाबू। देखिए बाबू आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 है, और सवाल इस प्रकार से बोला गया है, कहता है कि ए और बी का आयु का अनुपात 5:1 से, ए और बी का आयु का जो रेशियो है वो 5:1 से दिया हुआ। अगर ए का आयु 5 यूनिट है तो बी का कितना, 1 यूनिट। आगे बढ़िए तो बोलता है कि ए सी से 16 वर्ष क्या है, छोटा है। ए जो है बाबू वो सी से 16 वर्ष क्या है, छोटा, यानी कि 16 वर्ष छोटा है, यानी ए का जो आयु होगा वो सी से 16 वर्ष छोटा होगा। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कहता है कि 9 वर्ष बाद सी 45 साल के हो जाएगा। सिर्फ कहानी चलते जा रहा है, कहता है कि 9 साल बाद सी जो है वो 45 साल के हो जाएगा। तो आप बताइए बाबू कि अगर 9 साल के बाद सी 45 साल के होगा तो अभी उसका आयु कितना है, तो अभी वो 36 साल के होगा, क्योंकि 9 साल के बाद 45 साल के होगा तो अभी वो 9 साल कम होगा, तो 45 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 36 होगा। यानी वर्तमान में जो सी है वो कितना साल के है, 36 साल का। और ए कहता है कि हम सी से 16 साल कम है, तो जब ये 36 है और ये 16 साल कम है तो ए का आयु कितना हो जाएगा, 20 साल। तो ए का भी आयु निकल गया, सी का भी आयु निकल गया। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि ए और बी के बीच का जो अंतर है आयु का, वो सी के आयु के क्या है, समान है। यानी कि ए और बी के आयु का जो अंतर है, ए और बी के आयु का जो डिफरेंस बनेगा वो सी के आयु का क्या होगा, बहुत समान होगा।
यानी ये दोनों का आयु का जो डिफरेंस बनेगा, ए और बी के आयु का जो डिफरेंस होगा वो सी के आयु का क्या होगा बाबू, समान होगा। तो बाबू आपको पता है कि सी का आयु कितना है, तो सी का आयु आपको पता है 36 साल है। अब बताइए ए का भी आयु आपको पता है बाबू, ए का आयु कितना है 20 साल है। तो जब आप ही बताइए ए का आयु 20 साल है और ये दोनों का डिफरेंस 36 साल है, तो आपको जाहिर सी बात है कि अगर दोनों का आयु का हम अंतर लेंगे तो 36 साल आना चाहिए, जबकि इसका आयु 20 साल है। तो ये अच्छा एक बात समझिए कि दोनों के आयु का अंतर 36 साल है, मतलब ये एक दूसरे से 36 साल बड़ा छोटा होगा तभी तो अंतर 36 साल है, क्योंकि अंतर बोलिए या तो बड़ा छोटा बोलिए बात सेम ही है। तो 36 साल बड़ा छोटा है तो ये 20 साल है, तो ये कितना हो जाएगा 56 साल हो जाएगा, तभी तो ये दोनों का जो डिफरेंस बनेगा कितना बनेगा 36 साल बनेगा, यानी कि बी का जो आयु पता चल गया वो कितना पता चल गया 56। अब सिंपल आप यहाँ से निकाल लीजिए ए और बी का, तो ए और बी का आयु का अनुपात 5:1 से, तो 5/1 कर दीजिए और बराबर ए का आयु 20 लेकर आए बी का 56 लेकर आए, तो 20/ क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ काट दीजिए 5 × 20 और 4 से काट दिए तो 14 × 56, यानी एक्स का जो आपको वैल्यू हुआ कितना हुआ 14 साल, और आपसे यही पूछा था कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आपका जो आंसर हुआ कितना होगा 14। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बाबू, इरेज कर नोट कर लीजिए इसको। 67 के बाद 68 आप देखिएगा, वो 68 आपके सामने लिखा हुआ, वो कहता है कि इसका माध निकालें। क्या क्या है डाटा दिया हुआ, लिखा हुआ है 1/1/2, 1/2, 1/4, 3/4, 3/4, 2/1/2, 3/4 और 1/4। इसका माध निकालना है, माध मतलब क्या होता है वो सिंपल चीज़ है, माध बोले या औसत बोले बात एक ही है, कोई नया नई वाली चीज़ है नहीं, माध बोले औसत बोले समांतर माध बोले सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं माध बराबर टोटल संख्याओं के योग बटा टोटल संख्या, तो योग कर दीजिए, यानी कि यहाँ से जो माध आ जाएगा यानी ऐड बाई क्या हो जाएगा वो नंबर, सिंपल बात। तो ऐड कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़िएगा, ऐसे आप जोड़िएगा बाबू, ये एक है तो एक और आधा आधा को मिलाई तो ये भी कितना हो जाएगा एक, तो एक है एक दो, इसको भी जोड़िए तो कितना आएगा एक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ छोटा सा बात पता होना चाहिए बाबू कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ 1/4 और यहाँ पर लिखा हुआ कितना 3/4 लिखा हुआ, आप इसको जोड़िएगा तो देख रहे हैं कि आप नीचे जो देख रहे हैं हर दोनों सेम है, तो जब नीचे वाला वैल्यू सेम रहता है तो ऊपर को जोड़ दिया जाता है, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 4 और 4/4 तो कट के ही ना आएगा। तो इतना थोड़ा सा नंबर से आपको खेलने आना चाहिए, एकदम 0/0 नहीं। तो बोलिए इसको भी जोड़िए तो कितना आएगा एक आएगा। आगे बताइए, आगे अगर आप इसको देखिए तो ये तो दो है ही, फिर इसको भी देखिए जोड़िएगा तो 3/4 1/4, इसको भी जोड़िए तो कितना आएगा एक आएगा, सबको जोड़ दीजिए, एक अब एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच अब एक कितना हो गया 6, यानी कि 6.5। देखिए फिर से एक अब एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच अब एक 6, 6 × 6.5 6.5 जिसको हम लोग बोल सकते हैं 6.5 को बोल सकते हैं 13/2। ओके, और आपको माध बराबर योग बटे संख्या, ये तो योग आया बटे संख्या कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 कर दिए, इस सवाल का जो उत्तर होगा 13/18 जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं 69 पे। सवाल को जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए, वो बनाता तो सबको है लेकिन आप टेक्निक वो सीखिए जिसमें जल्दी सवाल बन जाता है। 69 में बोला है बाबू, 69 में कहता है कि एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या का 75% के बराबर है, यानी एक संख्या का 3/4 जो होगा दूसरी संख्या के 75%, 75% को अगर आप पहले से जानते हैं तो 75% को हम लोग क्या बोलते हैं 3/4 ही बोलते हैं। तो सिंपल बात है, कुछ करना ही नहीं, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, अच्छा ये 3/5 है बहुत सॉरी 3/5, अगर आप जानते कि 75% का वैल्यू 3/4 होता है तो डायरेक्ट आप सवाल को बना दीजिए, नहीं जाने तो फिर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कि एक संख्या का 3/5 है जो दूसरी संख्या के 75% का क्या है बराबर है। तो यहाँ से अगर आप परसेंट को हटाइएगा भी तो देखिए क्या होगा 100,
25 दिया 75 और 25 चको 100 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से ए रेशियो बी निकल के आ जाएगा तो 5:1 के इतना 4 आ जाएगा, बस खत्म। इस सवाल का जो आंसर होगा 5:4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। अगला सवाल एक लास्ट क्वेश्चन है, बोला है कि 947 + 343 70 नंबर, ये लास्ट सवाल है बाबू। 947 + 343 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद लिखा हुआ है पुनः 947 - 343 का होल स्क्वायर बट्टे, यहाँ पर बीच में माइनस है बाबू, और नीचे में लिखा हुआ 947 और 343। अब कोई स्टूडेंट इसको बनाने लगेगा, बहुत डिटेल से तोड़ने लगेगा, नहीं कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो सीधा इसका फॉर्मूला होता है 4ab, बस खत्म। तो देखिए अगर इसको ए मानिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सब सेट है, तो सीधा लगा दीजिए फॉर्मूला 4ab, ए की जगह 947 हो जाएगा बाबू और बी की जगह 300 क्या होगा 43। अगर नीचे का बात करें तो नीचे 947 और 343 है, तो 947 और 343। हालांकि इस सवाल को इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं था, मुजमानी मार सकते, ये दोनों कट जाएगा, इस सवाल का आंसर कितना का 4, बस खत्म, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से बाबू आपका सेट नंबर 10 खत्म हुआ। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, और मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।